Hi, my name is Archana Singh and you are watching the third episode of Ladakh Travel Guide with Travel See Right channel. In the last two episodes, I shared details when is the best time to visit, how to reach, best routes, geography, permits, and sightseeing places in Ladakh. In this and the third episode, I will share the activities that you can do in and around Leh and the suggested itineraries for your trip to Ladakh. So, देर किस बात की? चलिए शुरू करते हैं. एक्टिविटीज बहुत हैं लद्दाख में करने के लिए. जैसे कि अगर आपको सिर्फ रोड ट्रिप करना है तब तो जो मैंने आपको अभी तक जगह बताई वहाँ आप बाय रोड जा सकते हैं. बट इफ़ यू वांट टू डू से हाइकिंग, सो देर आर डिफरेंट हाइक. से फॉर एग्जांपल स्टोक कांगड़ी हाइक है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है एंड शायद अभी हो भी नहीं रहा है, बट यू कैन चेक इफ इट इज़ अलाउड देन यू कैन डू स्टोक कांगड़ी ट्रैक ऑल्सो. देन देर इज़ मरखा वैली ट्रैक, थोड़ा डिफिकल्ट है बट बहुत सुंदर है. वो मॉडरेट वाले हाइक्स में आ जाते हैं. शाम वैली ट्रैक को कहते हैं बेबी ट्रैक, सबसे इजी ट्रैक है. बट वो जो ट्रैक है बहुत खूबसूरत है क्योंकि जो विलेजेस हैं वो हरियाली से भरपूर होते हैं और वहाँ पर आप एप्रिकॉट्स के फील्ड होते हैं, विलेजर्स होते हैं. तो ट्रैक करने में चाहे आप समर में करें या विंटर में करें बहुत मज़ा आता है. मैंने खुद किया हुआ है एंड आई रियली रियली लव्ड इट. एक ट्रैक जो बहुत पॉपुलर है लोगों के साथ वो है चादर ट्रैक, विच यूजली हैपन्स इन विंटर जब ज़ंस्कार पूरी फ्रीज हो जाती है. एक टाइम पे ज़ंस्कार पहुँचने के लिए लोगों के पास वही साधन था जब वो फ्रोज़न रिवर पे चल के आते थे. तो वो काफ़ी अच्छा ट्रैक है. अनफॉर्चुनेटली उसका टाइम रिड्यूस होता जा रहा है काफ़ी, बट दैट इज़ अ ट्रैक दैट यू कैन डेफिनेटली डू. देन कारगिल में भी ट्रैक्स हैं काफ़ी सारे जो आप कर सकते हो, जो कि आपको मेरे ब्लॉग पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसके अलावा अगर आपको चाहिए. एंड तो ये बात तो रही ट्रैकिंग की. नाउ कमिंग टू साइकिलिंग. साइकिलिंग के लिए लद्दाख बहुत फेमस है, बहुत लोग जाते हैं. इनफैक्ट ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, श्रीनगर से लेह जाते हैं साइकिल करके एंड देन लेह से वापस मनाली जाते हैं. वो काफ़ी खूबसूरत रूट है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट बहुत ही अच्छा है. जो व्यूज़ आते हैं वो देखने लायक होते हैं. अगर आपको उतना लंबा नहीं करना है देन वॉट यू कैन डू, आप खारदुंगला जा सकते हैं. लेह टू खारदुंगला एक्सेंट काफ़ी हाई होता है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बट अच्छा है. अदरवाइज शाम वैली रूट है साइकिलिंग के लिए, वो भी काफ़ी अच्छा है जो आप कर सकते हैं. काफ़ी लोग आर्यन वैली भी जाते हैं साइकिल करने के लिए. सो प्रिस्टीन लद्दाख या फिर साइकिल एक्सपीडिशंस करके काफ़ी सारे वहाँ पर साइकिलिंग कंपनीज़ हैं, आप उनके साथ कर सकते हैं. प्लीज़ अकेले मत कीजिएगा बिकॉज़ यू नो अगर दूर दूर तक लोग नहीं हैं तो थोड़ा सेफ नहीं रहता है करना अकेले साइकिल. यू शुड डेफिनेटली डू इट विद अ टीम ऑफ एटलीस्ट 5 to 6 पीपल बिकॉज पॉपुलेशन नहीं है तो ज़्यादा लोग नहीं होंगे, कुछ वेयर एंड टेयर हो गया सो यू विल गेट स्टक देयर. एक जो मस्ट डू एक्टिविटी है लद्दाख में वो है राफ्टिंग, जो कि निमो तक चलती है, जिसे कहते हैं संगम. तो वो वेव्स काफ़ी अच्छी होती हैं. अगर आप अगस्त वगैरह में जाओ तो काफ़ी अच्छा टाइम होता है और समर्स में भी फ्लो काफ़ी अच्छा होता है, पानी बहुत ठंडा होता है. बट राफ्टिंग इज़ अ ग्रेट एक्टिविटी टू डू देयर. उसके अलावा यू कैन इंडल्ज इन एक्सपीरियंसिंग द लोकल फूड, जैसे कि आर्टिसनल एल्कमी है या फिर ग्रैंड ड्रैगन का भी वो लोग स्पेशली मतलब क्यूरेटेड मील्स कराते हैं तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. या फिर आप नन्रीज जा सकते हैं, वहाँ नन्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो लर्न आर्चरी पगीर के यहाँ पर ना, आप थोड़ा सीख सकते हैं वहाँ पर. प्लस यू कैन ऑल्सो हेल्प द वॉलंटियर्स देयर, काफ़ी सारे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं. पगीर रियली वर्क्स फॉर मेकिंग यू नो ब्रिक्स आउट ऑफ वेस्ट एंड मेकिंग सुविनियर्स एंड डेकोरेटिव आइटम्स फ्रॉम वेस्ट. तो आप उनके साथ एक दो दिन जाके टाइम बिता सकते हैं. मोनेस्ट्रीज में आप जा सकते हैं नन्स के साथ जाके, जैसे निर्मा नन्री है वहाँ पर होम स्टे भी है. सो यू कैन स्टे देयर, हेल्प द नन्स इन देयर डे टू डे एक्टिविटीज़ एंड लर्न हाउ दे लीड अ वेरी सिंपल लाइफ. यू नो कैसे वो
अपनी लाइफ बिताते हैं, वो सब आप उनसे सीख सकते हैं। लद्दाख में 4 फेस्टिवल्स होते हैं बड़े वाले। सबसे पहले होता है हिमिस फेस्टिवल, जिसको मास्क फेस्टिवल भी कहते हैं। उसमें पूरे मास्क पहन के लोग डांस करते हैं, मॉन्ग्स वगैरह बहुत दूर दूर से आते हैं, जो यूजली जून या जुलाई में होता है। उसके बाद आता है लद्दाख फेस्टिवल विच हैपन्स इन सेप्टेम्बर, एंड देन कम्स योर हेमिस मॉनेस्ट्री का फेस्टिवल विच कम्स इन आइदर अक्टूबर और नवम्बर, एंड द लास्ट वन और आई शुड से द फर्स्ट वन ऑल्सो इट्स का लोसार विच इज एक्चुअली अ न्यू ईयर फॉर लद्दाख विच हैपन्स इन डिसम्बर, मोस्टली डिसम्बर। तो अगर आप अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं सो प्लान कीपिंग दीज फेस्टिवल्स इन माइंड, एंड आपको लद्दाख एकदम अलग ही वेशभूषा और यू नो अलग ही अवतार में देखने को मिलेगा लद्दाख उस टाइम। आई रियली होप कि ये वीडियो आपको यूजफुल रहा होगा और अपना ट्रिप प्लान करने में मदद करेगा। कमिंग टू द कॉस्ट, अगर आप मतलब फैमिली के साथ जा रहे हैं और अपनी पर्सनल व्हीकल लेके जाना चाह रहे हैं, तो आप ये लगा लीजिए कि पर पर्सन जो यूजली अगर एक सिंगल बंदा जा रहा है तो उसका करीब 25,000 से 30,000 रुपये में बिल्कुल बजट अगर आप कर रहे हो, शेयर कर रहे हो टैक्सी वैक्सी ये सब, या फिर बाइक वाइक ले रहे हो, तो उसमें आपका आराम से हो सकता है मतलब 20-25,000 में। बट अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो, मतलब अगर दो लोग हो, तो आप ये लगा लो कि आपका 60-70,000 लग ही जाएगा, यू नो। सो आप उतना बजट लेके चलिए। कमिंग टू द आइटनरीज, तो अगर आपके पास 7 दिन हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप फर्स्ट डे जाइए, फर्स्ट डे तो आप बिल्कुल रेस्ट करेंगे, सेकेंड डे आप जो है शांति स्तूप आप जा सकते हैं, शे पैलेस जा सकते हैं, ये छोटा मोटा आप डिस्कवर कर लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद अगले दिन आप संगम पे जा सकते हैं, आप शुशौत विलेज जा सकते हैं, यू कैन गो टू द थिक्से मॉनेस्ट्री की मॉर्निंग प्रेयर्स अटेंड कीजिए, निर्मा ननरी आप जा सकते हैं, देन आप एक आर्टिसनल मील कर सकते हैं, आप पगीर जा सकते हैं। सो जो भी लेह के आसपास वाला है वो आप थर्ड डे कर सकते हैं, छोटा मोटा अगर आपको हल्का फुल्का ट्रैक करना है तो वो भी कर सकते हैं। देन उसके बाद फोर्थ फिफ्थ डे यू कैन आइदर गो टू आर्यन वैली विच इज़ इन द ऑन द कारगिल श्रीनगर हाईवे, आप वहाँ जा सकते हैं, 2-3 दिन आप वहाँ रुक के आ जाइए, या फिर आप खारदुंगला नुब्रा तुरतुक उस तरफ जा सकते हैं। तो वहाँ के लिए आप 3 दिन रखिए मिनिमम, यू नो, क्योंकि एक दिन आपको लगेगा खारदुंगला, देन आपको नुब्रा जाने में, फिर अगले दिन थोड़ा उसको घूमिए, नुब्रा को घूमिए, फिर तुरतुक जाइए, फिर तुरतुक से वापस नुब्रा आके आप पैंगोंग निकल सकते हैं। पैंगोंग में आप एक रात ज़रूर रुकिए, एंड देन उसके बाद देर आर 2 वेज, आइदर आप ना चुसुल की तरफ से होते हुए आप हानले भी जा सकते हैं उधर, और यू कैन कम टू लेह ऑल्सो। सो यूजली 7-8 दिन में सिर्फ आपका नुब्रा पैंगोंग वगैरह हो पाता है। अगर आपके पास 10 दिन होते हैं तो आप उसमें अच्छे से आप हानले कर सकते हो, आप यू नो आर्यन वैली भी कर सकते हो नुब्रा पैंगोंग के साथ में, या चांगथांग कर सकते हो। सो इट्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डेज यू हैव। अगर आपके पास 15 दिन हैं तो आप सियाचिन बेस कैंप भी कर सकते हो। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो जो भी आपको पसंद है, जितना भी आपके पास टाइम है, बजट है, उस हिसाब से आप लद्दाख पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। आई रियली होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आप लद्दाख ट्रैवल करें जल्दी से जल्दी। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप ट्रैवल करें प्लीज़ ट्रैवल रिस्पॉन्सिबली, अपना वेस्ट जितना कम हो सके उतना करें, अपना वेस्ट अपने साथ कैरी करें, प्लास्टिक बॉटल ना तो खरीदें और ना ही दूसरों को खरीदने दें, अपनी रीयूजेबल वाटर लेके जाइए। प्लीज़ डोंट कंज्यूम चिप्स बिस्किट्स ऑल दोज थिंग्स, लोकल फूड आप कंज्यूम जितना कर सकते हैं वो कंज्यूम कीजिए, और लोकल कम्युनिटीज़ के साथ जितना मिलजुल सकते हैं, होम स्टे में रह सकते हैं वो कीजिए, यू इट विल बी एन अनफॉरगेटेबल ट्रिप फॉर यू। I hope you liked this video. If you liked this video, please do hit the like button, share it with your friends, and don't forget to subscribe to Travel See Right channel.